नमस्कार दोस्तों, तो आज है तारीख 13 तारीख, तो सुबह का अभी 7:30 बजने वाले हैं। भीड़ देखिए काफ़ी बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दरबार लगने वाला है 10 बजे से। तो आज उम्मीद किया जाता है आज पूरी मैदान भर जाएगी, काफ़ी भीड़ है। जो लोग बिल्कुल नया भी आ रहे हैं, जिसको यहाँ के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग छाता और बैठने के लिए पन्नी लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ बारिश होने शुरू हो गई है। मौसम बिल्कुल बदली हो गया, बारिश भी हो रही है, इस समय स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो व्यवस्था की गई है उतनी कहने में उतनी अच्छी तो नहीं हो पाई, क्योंकि जितना पंडाल बना पूरा पंडाल भर चुका है, लोग बाहर बैठे हुए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी पीछे बैठे हैं, अभी 10 बजते ही पूरा गेट तक भर जाएंगे लोग, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके बाद छोटे बच्चे हैं उनका बिल्कुल ख्याल रखिएगा, उनके लिए कपड़े लेते आइएगा, क्योंकि मौसम बिल्कुल यहाँ का ठंडा हो चुका है, तो थोड़ी सी हवा भी चल रही है, तो बहुत यहाँ नमी है, बारिश भी हो रही है, मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है। आप मिट्टी पर आराम से नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको पन्नी लानी पड़ेगी, और भी प्लास्टिक लाइएगा, क्योंकि कपड़े का भी काम नहीं करेगा, तो पन्नी लीजिएगा, फिर कंबल लाइएगा, फिर बैठिएगा, तब कथा सुनिएगा। तो मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, तो आप लोगों के पास जितने भी दोस्त हैं जो भी आना चाहते हैं, सबको मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलिए, कि सभी को पता चले कि आज कथा हो रही है, 10 बजे दरबार लगेगी और शाम को 4 बजे कथा है यहाँ पर। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए, एक तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सभी लोग। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, कोई भी मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करता है, तो कोशिश कीजिए कि इतना वीडियो शेयर करिए कि बागेश्वर धाम सरकार की महिमा पूरे भारत विश्व में फैल जाए, लोग सनातन धर्म के बारे में जागरूक हो। सनातन धर्म हमारा क्या होता है, तो हमारी कोशिश है सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए। तो हर महादेव, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय।